तो मेरे दोस्तों में ऐसा रहा था, तीन काम, अल्लाह वालों से ताल्लुक, दिल से ताल्लुक हो जाए, कल्ब से मोहब्बत हो, और उनके से थोड़ा सा जिक्र पूछकर उस पर पाबंदी की जाए, उसमें नाका न करो। जो भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक कैप्सूल रोजाना खाओ विटामिन डी कम्प्लेक्स की, या शरबत की खाओ एक रोजाना, और वो खाता है हफ्ते में एक दिन, डॉक्टर साहब नाराज होंगे या नहीं? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं हमारा नाम कसरत से लो, आप क्यों किल्लत से लेते हैं? वस्कुरुल्लाह कसीरा है कुरान में, फिर आप किल्लत से क्यों लेते? तो अल्लाह के नाम की बरकत से और अहलुल्लाह की सोहबत से दिल में एक खास कैफियत पैदा हो जाती, जिससे फिर जहर लगता नहीं, नीम की पत्ती कड़वी मालूम होने लगती है, सांप का जहर उतर जाता है, दुनिया साथ है, अल्लाह वालों की सोहबत से अल्लाह के नाम के सत्ते में हैं, दुनिया का जहर उतर जाता है, फिर गुनाह कड़वे मालूम होते। अगर किसी को सांप काट ले, बताओ नीम की पत्ती कड़वी लगेगी मीठी लगती है? जिसको सांप काट लेता है उसको नीम की पत्ती मीठा मीठी मीठी लगती है। लिहाजा जहर उतारने का उसका अलामत ही बयान करते हैं माहिरीन फन कि इतना इस पर मंत्र झाड़ो फाड़ो फूको कि नीम की पत्ती कड़वी लगने लगे। तो जब गुनाह कड़वे लगने लगे तो समझ लो अब मंत्र शैतान का जहर जादू खत्म हो गया। तो गुनाहों के असबाब से दूर रहो। अब हर वक्त टीवी चल रही है एक कमरे में, आदमी कहां से बचेगा? बच्चे हमारे शाह फरमाते हैं कि टीवी जो है वो सांप का पिटारा है, बच्चे देखकर वैसे ही डाका मारते हैं, वैसे ही चोरी करते हैं। हजरत मौलाना शाह ने सुनाया कि हिंदुस्तान में एक लड़के ने टीवी देखी और उसने चोरों से दोस्ती करके सारा घर लुटवा दिया और खुद भी अगवा हो गया। बाप माँ महरूम हो गए उस बच्चे से, कह रहे थे टीवी दूसरी जगह जाता है देखने, लिहाजा अपने घर में लाया हूं ताकि मेरे बच्चे मोहल्ले में दूसरों के घर देखने न जाए, यानी दूरिया बाजार जो संख्या लेने जाते थे अब घर में संख्या ला के रखो। नतीजा क्या निकला कि बच्चा घर से गायब हुआ, सामान माल भी गया, चोर आए ले गए, बच्चे को भी मिल गया था, उनसे टीवी में देखा था कि घर के बच्चे से यू साजिश हुई, जो देखा था वैसा ड्रामा खेल गया, बच्चा भी गया, माल भी गया, सब कुछ गया। अरे अगर टीवी दिखाना ही है तो अल्लाह वालों से मुलाकात कराओ अपने बच्चों को, चाहे वो टाई पतलून भी क्यों ना हो। हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो लड़के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी बुजुर्गों के पास ले जाओ, और फरमाते हैं हम वादा करते हैं कि हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि तुम पतलून उतार दो या तुम दाढ़ी रख लो, हम खामोश रहेंगे, लेकिन कम से कम दाढ़ी वालों को देख तो लेवो, कुछ तो शक्ल से मानूस रहे, एकदम तो मुतवहिश वहशत न हो उनको, देखते देखते तो दिल पर अक्स पड़ता है भाई कुछ लोग दुनिया में इस डिजाइन के लिए हैं। अल्लाह वालों की शक्ल सूरत और माहौल का भी असर पड़ता है।